हेलो गाइस, आज हम लोग की पचमढ़ी में सेकंड मॉर्निंग है ना, तो हम लोग की कैब भी आई हुई है। टाइम लगभग 9 बज चुका है, तो जिप्सी आ गई है और हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं। जो बाकी के पॉइंट्स बचे हैं वो पॉइंट्स हम लोग आज घूमेंगे। पचमढ़ी के ऑलमोस्ट मेन पॉइंट्स आज बचे हैं, मतलब कल भी हमने घूम लिए थे, तो आज के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। हम भी पहली बार जा रहे हैं, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं और जो जो वहाँ की डिटेल्स होंगी, जो भी बातें होंगी वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आपको बहुत मज़ा आने वाली है, मुझे ही मज़ा आने वाली है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एक्चुअली हम दोनों का, तो सब कुछ अच्छा रहे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहो, लास्ट तक बन रहो, सब कुछ आएगा। आज हम लोग सेकंड डे की फर्स्ट लोकेशन में आ चुके हैं, तो वहीं जा रहे हैं घूमने, जिसका नाम है हांडी खो। और इसका नाम हांडी खो क्यों है और क्या क्या इसकी खासियत है वो हम आपको आगे बताएंगे, सीन के साथ बताएंगे। तो अभी तक मैंने भी नहीं देखा है, बस जा ही रहे हैं, तो वीडियो देखते रहो, बस दिखाने वाला हूँ मैं। कैसे बताएगा फ्रेंड्स, ये जो पीछे देख रहे हो आप, ये है हांडी खो। इसका सीन मैं आपको अपने बैक कैमरे से दिखाता हूँ, पर ये देखो, ये खाई है 300 मीटर गहरी। और इसे हांडी को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मेजर हांडी, क्या नाम थे, मेजर हांडी और फोरसिथ, ठीक है, जेम्स फोरसिथ, जिन्होंने ये पचमढ़ी क्या पचमढ़ी की जब वो ढूंढ रहे थे, घूम रहे थे एक्चुअली में क्या हुआ था, बुलेट से जा रहे थे जेम्स फोरसिथ और मेजर हांडी, तो वो इस रास्ते से जा रहे थे और वो इस खाई में गिरे थे, तभी से इसका नाम हांडी खो है और इसे पचमढ़ी का सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। और जेम्स फोरसिथ वो इंसान है जिन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी सबसे पहले और अपना बेस कैंप यहीं पे बनाया था। और उन लोग यहाँ पे क्यों आए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि तात्या टोपे भाग के आ गए थे और यहीं कहीं छुपे थे, उनकी खोज में पचमढ़ी की खोज हो गई। तो दोस्तों, हांडी खो घूम लिया है हमने, 15-20 मिनट है घूमने का, ज़्यादा नहीं है, एक एक जगह कितनी बार देखोगे। तो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, अभी हमें भी नहीं पता भैया लेके जाएंगे, तो वीडियो को देखते रहो, एंजॉय करते रहो और बताते हैं फिर से। नहीं फ्रेंड्स, ये आ गए हम अपने सेकंड पॉइंट, इसे फोरसिथ पॉइंट भी कहते हैं और इको पॉइंट भी है ये पचमढ़ी का, और इसे ही प्रियदर्शनी पॉइंट भी कहते हैं। हाँ, तो इंदिरा गांधी जी आई थी यहाँ पे, ईयर मुझे कंफर्म नहीं है, बट उनका घर का नाम था प्रिया, सो उसके बाद इसे प्रियदर्शनी कहने लगे। फोरसिथ पॉइंट ये वही पॉइंट है जहाँ से पचमढ़ी की खोज हुई है, तो अभी हम जा रहे हैं और देखेंगे और आपको भी बताएंगे। प्रियदर्शनी पॉइंट और रेलिंग देखो, ये रेलिंग है, वो शुभम बैठा है, पर मैं थोड़ा सा इस तरफ, चट्टान थी तो मैं और इस तरफ आ गया, क्योंकि ऐसा पता नहीं फिर कब कर पाऊंगा। मैं दिखाता हूँ ये पूरा पॉइंट, ये देखो कितनी हाइट पे खड़ा हूँ मैं,
ये पूरा पीछे, इसे इको पॉइंट भी कहते हैं प्रियदर्शनी, एंड फोर्सेट पॉइंट यही है। वो पीछे देख रहे हो वो जो पहाड़ है, वो वाला, वो है चौरागढ़ मंदिर, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। हम शायद वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और वापस लौटना भी है। तो इसके बाद हम बस 5 मिनट से निकल रहे हैं अपने दूसरे पॉइंट के लिए। देखो यहाँ नींबू पानी, जलजीरा, भेल और क्या मिलता है अंकल, जामुन रखे हुए हैं अभी, पानी और मूंगफली, ये तो बता दिया। ये सब मिलता है आपको फोर्सेट पॉइंट में जब आप जाओगे। तो खीरा भी रखा है यहाँ पे, मैं अभी नींबू पानी पी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्सेट पॉइंट से गुप्त महादेव और बड़ा महादेव का रास्ता 10 मिनट का होगा हार्डली। और यहाँ पे भी देखो नींबू पानी और भेल और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था है। तो भूख लगेगी या रिफ्रेश होना चाहते हो तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बॉटल्स भी अवेलेबल है और हम सीढ़ी हर जगह अवेलेबल, सीढ़ी हर जगह भाई। ऐसा सीधा रास्ता तुमको कहीं नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक 5 मिनट लगे ना, 5 मिनट लगते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 5 मिनट लगे हैं और हम लोग पहुँच गए। बस दिखाने वाले आपको, और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, मूर्ति को ही कहा जाता है हाँ, और एक गुफा भी है गुप्त महादेव, इन्हें कहा जाता है। देखो मेरे पीछे ही दिखाता हूँ मैं आपको, एक जन देखने जाता है फिर एक जन लौट जाता है तब दूसरा जा पाता है। ये देखो इसके अंदर जाएंगे अभी हम लोग, ये पीछे ही है, ये है गुप्त महादेव मंदिर। ये सामने से जाना है, देखो एक बार में 8 लोग जा सकते हैं, एक बार में सिर्फ 8 लोग जा सकते हैं। ये हनुमान जी जय श्री राम, बट इतना इतना सकरा रास्ता है ये कि जाना मुश्किल लग रहा है। जब तक अंदर वाले बाहर नहीं आएंगे हम अंदर नहीं आ सकते, तो अगर मैं जा पाया तो ज़रूर अच्छी बात है। नहीं, ये है रास्ता गुप्त महादेव का, आपके लिए जा रहा हूँ पहली बार, हाँ जिंदा लौटूँ। अरे रे कैसे जाएंगे, सीधे तो नहीं जा सकते आप, और ये चट्टाने बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। हर हर महादेव, ओह घुटना छिला मेरा। ये लाइट लगी है यहाँ पे और कितनी ठंडक है। यह गुप्त महादेव, अंदर जाके मना किया गया है, यहीं से दर्शन हो सकते हैं, यहीं से दर्शन कर लो। और ये पूरी चट्टान बाहर से कैसा दिखता है अंदर से देख लो, बहुत ही प्यारा सुकून भरा एक्सपीरियंस है ये मेरा, मेरी लाइफ की पहली ट्रिप, और इतनी अच्छी जगह एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने। हर हर महादेव, बने रहो वीडियो में, आप दूसरी जगह जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बड़े महादेव, गुप्त महादेव से थोड़ी दूरी पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब आजू बाजू में लगभग उसी रास्ते पे हैं। जिप्सी खड़े करो तो लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो गुप्त महादेव, हाँ। राइट हैंड साइड जाओगे तो बड़ा महादेव। बस पहुंच ही गए हैं, हम भी देखते हैं कैसा सीन है, फिर आपको भी दिखाएंगे, है ना। गुप्त महादेव तो घूम के आ गए हैं, अब बड़े महादेव देख लेते हैं। अंदर आ गए हम लोग, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही कम गुफा है, देख रहे हो आप, ये बीच में कुंड है। ये है महादेव सामने, देखो यहाँ सब कुछ मना है, जहां तक मैं जा पाऊंगा वहीं तक दिखा पाऊंगा। और यहाँ पानी गिर रहा है चट्टाना से, तो ये था बड़ा महादेव मंदिर, बहुत ही अच्छी जगह है, सुकून भरा, सुकून भरा, ठंडा ठंडा बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ आओ तो, यहाँ तो वैसे आओ गई,
ज़रूर आओ, और ये वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताओ, क्या एक्सपीरियंस है यार, एकदम बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आ रहा है। छोटा गुप्त महादेव और बड़ा महादेव गुफा के अंदर, इतना मतलब एटमॉस्फेयर चेंज, चट्टानों से पानी गिर रहा है, कोई लाइट नहीं कुछ नहीं, नेचुरल जो चाहिए होता है, है ना भाई, जन्नत है पश्चिम, जन्नत में जन्नत है वाकई में। और ये पीछे ही है, अभी हम लोग बाहर आ गए, तो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, उसका भी हमें भी नहीं पता, भैया से पूछना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, मज़ा तो आ रही होगी, बोर नहीं हो रहे होगी। फ्रेंड्स थोड़ा सा और बचा है मंदिर, और देखो कहाँ जाना है हम लोगों को, ये नीचे उतरना है पूरा, उसके आगे है, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आ गए हम लोग जटाशंकर मंदिर, सामने है, दिखाता हूँ मैं आपको, पहले व्यू देखो, ये देखो बिल्कुल नीचे है पताल लोक में, पताल लोक, और रावण से मिल के जाएंगे अभी। ये देखो पूरे पहाड़ 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 चट्टाने, ये देखो ये गणेश जी का मंदिर है एक, और ये पीछे बंद है, और एक और दिखाता हूँ मैं, देखो ये वाला पत्थर देखोगे ना तो अटका हुआ है वो दो चट्टानों के बीच में। ये जटाशंकर मंदिर, ये देखो गुफा में, बिल्कुल बाबा जी हमेशा गुफा में ही रहे, दिखा आप लोगों को ये व्यू, महाराज बैठे हैं, ये यहाँ से उतर के आए हम लोग, ये पूरी पहाड़ी उतर के आए, हो ये सामने ये गणेश जी का मंदिर, रेलिंग लगी हुई है। फ्रेंड्स ये था हम लोग के सेकंड डे का लास्ट पॉइंट, जटाशंकर मंदिर, हाँ जटाशंकर मंदिर जो हम लोग ने घूम चुका है, आपको दिखाया भी है, अब ये आज की जो हम लोग का पूरा पचमढ़ी का जो हमने घूमा है उसकी एंडिंग हो रही है यहीं पे, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, पूरे पॉइंट्स दिखाए आज के हमने, और कोशिश की है कि हर एक डिटेल दे पाए आपको, आप लोग को एंजॉय करवा पाए, हमने तो किया है काफी, थक गए अब सीधे होटल जा रहे हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, लाइक करना नहीं भूलो, करना मत भूलो, थम्स अप देते रहो, यहाँ पे आए हो तो लाइक करो, और जितना सब्सक्राइब कर सकते हो उतना सब्सक्राइब करो, ये वीडियो जितना शेयर कर सकते हो उतना करो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और यहाँ आ रहे हो तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगी, बी प्रोडक्ट से जुड़े रहो। कल का एक और दिन हमने प्लान किया हुआ है, और कल शाम की हमारी ट्रेन है, तो कल एक और दिन रुकेंगे, उसका भी ब्लॉग आएगा, और ठीक है फिर, तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, अपने आसपास साफ सफाई रखो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहो बी प्रोडक्ट चैनल, बिल्कुल बाय।